क्या है तांदियो आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड हनौल, जो कि है मासु देवता का जन्म स्थान भी माना जाता है। वहाँ पे तो काफ़ी बड़ा धर्म स्थल माना जाता है उसे, मासु देवता जी का। तो वहाँ की खास बात यह है इस साल की वहाँ पे राज्य स्तरीय मेला, और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको पांचवा धाम घोषित कर रहे हैं, कुछ ऐसा मैंने सुना था बंदों से। तो मैं आज जा रहा हूँ हनौल उत्तराखंड। तो यहाँ से जा था मेरा जो बुलेट है वो फ्रेंड ले गया यार, तो मुझे कहीं बीच में मिलेगा। तो यहाँ से मुझे बस में जाना था, 10 बजे बस आने वाली थी कुकुई से, तो वो बस नहीं आई है। तो अब 1 बजे बस यार, अब फिर पता करा कुछ गाड़ी वगैरह यहाँ मिल जाती है आगे नीचे तक सांचगढ़ तक। तो भैया बुलेट मिल गया मुझे, मिल तो आएगा। तो ये है तराता मेरे साथ, वहाँ से मुझे कई बार बस मिल पाया, हर कुछ था जाना पड़ेगा मुझे घूम के। ये है भाई असली बुलेट, ओल्ड मॉडल स्टैंडर्ड। क्योंकि नीचे से कोई बसेस नहीं जाए तो मुझे बहुत घूम के आना, 20 किलोमीटर चक्कर में मुझे 60 किलोमीटर चलना पड़ा। तो हरिपुर दास से अभी बजे हुए 12:30 बजे। ये है हरिपुर थार का बाजार बस स्टैंड। तो आई थिंक ये है बस रोनाट के लिए, मुझे बड़ी फुल लग रही है यार। तो मुझे लिफ्ट मिल गई, तो भी छत पे जाना पड़ेगा सालों बाद। क्या व्यू है खतरनाक। तो ये मुझे रोनाट तक मिलेगी, वहाँ से बंदा जगह लेना फिर। ये गई बस, इसमें आया था मैं। ये अपने फौजी साहब लेने आए हमें। तो अब चलते हैं हनौल, जो कि पांचवा धाम बोल रहे हैं और राज्य स्तरीय मेला इस बार वहां से चलते हैं हम। यहां से टाइप कर रहे अपने फौजी साहब, तो मुझे वीडियो शूट भी करना है, तो मैं राइड नहीं करूँगा। फर्स्ट टाइम मुझे अपने साथ राइडर मिला है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मुझे मौका नहीं मिलता शूट करने का, तो पहली बार मुझे मौका मिल रहा है। तो चल पड़े हम अब से जो स्ट्रेट जा रहा है ये क्या नेरवा चुपाल आगे उत्तराखंड का ही जा रहा है अपना कुकुई। ये उत्तराखंड स्टार्ट है, बीच में कॉफी भी आती है। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep bumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. मंदिर हुआ करता था ये, तो शायद कटिंग करते हुए ऊपर से पत्थर पुत्थर लग गए इसमें और सारा खत्म हो गया मंदिर। ये है गुमा, और आर को गुमा बड़ा डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में, और सामने पड़ता है इसकी चेन थोड़ी सूखी होगी, तो इसमें ऑयलिंग करवा के थोड़ी काफ़ी आगे जाना है। ये है गुमा, तो यहाँ से हम ऑयलिंग वॉयलिंग करा के चल पड़े हैं, तो मिलते हैं। तो ये है वो 2018 में आई थिंक बस गिरी थी वहाँ में, जिसमें सीधा नीचे पाँव से ये सेफ सीजन काफ़ी जोर शुरू में। ये क्या है तांदियो, जो आपको सामने रोड दिख रहा है, हमने इस रोड पे जाना है बाहर त्यूनी के लिए, फिर त्यूनी से हनौल वाला अलग कटेगा। ये पहुँच गए हम फ्रेडिस, जा रहा है चौपाल के लिए यहाँ से ये वाला रोड, और राइड गया उत्तराखंड का एरिया के लिए पूरा उत्तराखंड का, त्यूनी हनौल और जौनसार का एरिया, ये वाला रोड गया, मतलब यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट है। बटाल ये है बटाल की मारे
ध्यान नहीं लग रहा है मुझे, सारे हनौल जा रहे हैं आज। बच 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 गाइस, देखा आपने गाइस? लिटरली अगर आप इस फोटो आगे ना मां का बाल बाल बच्चा है तो साइड में उन्होंने लेदर के लगाया था, मेरे पांव में छुए आज गाड़ी के यारा इतना क्लोज क्यों पतली जगह थी ना अभी मैं पहुंच गया हूँ त्यूनी, और ये जो लेफ्ट जा रहा है ये थोड़ा आगे 500 मीटर त्यूनी का बाज़ार है, और राइट जाएगा हनौल उत्तराखंड के लिए, चक्राता रोड बोलते इसको, और सामने जो स्ट्रीट जा रहा है ये आपका रोड के लिए भी जाएगा ऊपर ये वाला, और हम जाएंगे इसमें। ये है यहाँ का फेमस जो तौंस है, वो देखो पार सामने जो गोल गोल घूम रहा ना वो बोलते हैं वहाँ के लिए, जो फेमस है यहाँ का, गाड़ी वगैरह का पता नहीं चलता, गोल गोल पानी वहाँ घूमता है। दूसरी साइड देखे तो भाई काफ़ी खतरनाक, सो डेंजरस। राइडर फिर से चेंज हो गया है बिकॉज मुझे ब्लॉग शूट करना है। अब पहुंचने वाले हैं हम हनौल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये जो मंदिर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं मैनथ्रज, ये मंदिर दिख रहा होगा यहाँ पे। कहा जाता है कि जो चार में यहाँ का जन्मस्थान का बोल रहा है, यहाँ पर मासूम का जन्मस्थान बोल रहा है मैनथ्रज, तो शायद उनकी माता जी की मूर्ति है यहाँ पे, ऐसा कुछ बोलते हैं मैनथ्रज के। निचला काफ़ी खतरनाक व्यू आ रहा है नीचे मिले के लिए लगी है उत्तराखंड पुलिस, अगर बाइक वाइक इधर से निकाल रहे हैं। इस बार जो राज्य स्तरीय मेला जो इस बार है काफ़ी भीड़ है, कम से कम 1-2 किलोमीटर से पीछे मतलब पार्किंग होना स्टार्ट हो गई गाड़ी। ये यहीं से दिख रहा है हनौल, आगे व्हीकल को नहीं जानते, यहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं। वहाँ लगा पीछे यहाँ यहाँ लिया आगे लोग कह रहे हैं आगे और आगे और आगे थी, और गाड़ी भी निकल जाने पर पुलिस आए मना कर रहा है, अब क्या कर सकता है इनका, कहीं पार्किंग ढूंढते हैं। फाइनली यहाँ पे मैं पार्किंग तो मिल गया, पर थोड़ा रिस्क है यहाँ नीचे जाने का, चलो कोई नहीं, वैसे काफ़ी ऊपर है, 500 मीटर शायद दूर है, तो यहाँ से आगे इस बार व्हीकल अलाउड नहीं है क्योंकि राज्य स्तरीय मेला है। तो ये हो गया मंदिर में एंट्री यहाँ से, तो जय महासुदेव। यहाँ हम शूज़ वगैरह रख रहे यार, क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाली आज तो नीचे, तो शूज़ वगैरह हेलमेट वगैरह यही रखते हैं, देन नीचे हम एंटर कर रहे हैं मंदिर में। तो इस बार तो काफ़ी सजावट हो रखी है, स्टेज वगैरह लगा हुआ है, और मंदिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत सजा हुआ है, क्योंकि मैं हर साल यहाँ आता हूँ तो काफ़ी सजावट है, दिख रही होगी आप लोगों को, इट्स अमेजिंग। और यहाँ पे केसरिया सफ़ेद हरा, पहले आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ सजावट कैसी है। काफ़ी लंबी लाइन है भाई दर्शन के लिए, काफ़ी लंबी लाइन दर्शन के लिए, तो बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन। ये देखो आप लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ 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 उधर ख़त्म है, कहीं इसको चिड़ा बोलते हैं, इसको रात को जलाएंगे,
ये जब चलेगा तब भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये कहा जाता है भीम के कंचे, शीशे के पत्थर ही उठाते हैं लोग इसको यहाँ पे। अंधेरा आ रहा है, साफ दिख रहा है, काफी हैवी होते हैं ये, अभी भी अपने उठा देंगे। ये छोटे वाला है, इधर देखो इधर, थोड़ा रेस्ट कर रहा, बहुत थक गया। मेन चिड़ा हरियाली का जो चलता है, यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, खुद बनाते हैं यहाँ पे, वही होता है काशी के बर्तन पे यात्री गण आए हैं, वो खुद बनाते हैं खाना यहाँ पे। अच्छा, ऐसा भंडारा भी होना मेले पे, ये पुराने बर्तन यहाँ पे। अच्छा ये एग्जिट गेट है यहाँ का, फिर यहाँ से अंदर नहीं आने दे रहे, खास खास लोग ही आ रहे हैं, तो हम खाना खाने जाते हैं, फिर खाना खुना खाते हैं, देखते क्या बनता है। यहाँ लगा हुआ है लंगर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, थैंक यू ब्रो। यहाँ पे थालियाँ आ गई है, ग्लासेस भी। 12 बज गए रात के, तो यहाँ से हम जूते वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि नीचे वापस गए थे, हम खाना खाने गए थे एक्चुअली, तो वापस गए तो वहाँ बैठने तक के लिए जगह नहीं नीचे मंदिर के पास, तो हम कहीं आगे देख रहे कहीं टेंट वगैरह लगाने के लिए कहीं रोड पे एक आधा किलोमीटर, फिर सो जाते, फिर देखते बाकी आगे जाके यहाँ से निकलते हैं। निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ हम खाना खाने गए थे तो बैठने के लिए वापस जगह नहीं मिली, तो हमारे पास टेंट है, तो हम आगे जाके कहीं टेंट लगाने का सोच रहे, तो यहाँ से हम बाहर आके बाउंड्री से आगे जाके देखते हैं, मे बी टेंट का कुछ जगह मिलने लास्ट में जहाँ हम टेंट लगा सकते हैं। फाइनली आप बड़ी मुश्किल से मिली है, 6-7 किलोमीटर आ गया जगह, तो अब यहाँ ऊपर टेंट लगाते हैं, देन आराम से सो जाते हैं। तो फाइनली अब टेंट टूंट लग गया है, तो सो जाते हैं और मिलते हैं सुबह, और आगे का सफर करते हैं शुरू। तत्ली गुड नाइट।